तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अब वो हमारा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक अलग टॉपिक हो गया एक प्रोबेबिलिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्योति। सो आज हम स्टार्ट करने वाले न्यू टॉपिक, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अभी तक आपने मतलब जो लास्ट चैप्टर हमने करे हैं वो कौन कौन से करें, तो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन, मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, क्या क्या रीजंस है, कहाँ का इसके स्कोप्स वगैरह है, राइट। और जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने मेनली क्या पढ़ा था, एवरेजेस पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस लाइक हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन मीडियन मोड, ये सारे टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े थे, ठीक है। और जो टॉपिक क्या पढ़े थे हमने, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस जो मेन टॉपिक थे हमारे, जिसको हम मतलब यूज़ करते हैं एज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये टॉपिक मतलब हम पढ़ क्यों रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि एक स्टैटिस्टिक अलग टॉपिक हो गया, एक प्रोबेबिलिटी अलग हो गया, बट जो ये प्रोबेबिलिटी है वो एक स्टैटिस्टिक का ही पार्ट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे, ये रीजन देख लेते हैं। तो जैसे आपने कई रीजन वो देखे होंगे, एग्जाम्पल जैसे भाई कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, मतलब कि कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस है कि बारिश होगी या नहीं होगी, या फिर जैसे कोई क्रिकेट गेम हो रहा है वहाँ पे, मतलब आईपीएल वगैरह कुछ भी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम ये सोचते हैं कि ये टीम मतलब विनर बन सकती है या नहीं बन सकती है, ठीक है, इस टाइप से, मतलब या फिर हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि इस बार मतलब जैसे एक स्टूडेंट ने ज़्यादा मेहनत करी होगी तो उसकी पोजिशन हो सकती है कि फर्स्ट आए या फिर सेकेंड आए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं उसमें आइडिया लगाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब वहाँ पे चांसेस है कि कितने परसेंट, मतलब कि वो फर्स्ट आने के कितने चांसेस है या सेकेंड आने के कितने परसेंट चांसेस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हम एग्जांपल लेते हैं, बट हम वहाँ पे देखो यही देख रहे हैं कि कितने चांसेस हो सकते हैं या कितने नहीं है, जस्ट हम वर्ड में देख रहे हैं, राइट। तो बट हमें वर्ड से तो प्रॉपर आइडिया लग नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आते हैं ये प्रोबेबिलिटी वर्ड, और इसको हम मैथमेटिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली कितना मतलब कितने परसेंट चांसेस है, इस तरीके से हम ये प्रोबेबिलिटी जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब ये इसका मेन रीजन है। तो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि मतलब फर्स्ट इंट्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट की कैसे, मतलब क्यों है, क्या है, ये सब कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, और उसकी जो बेसिक स्टेप्स होती है वो क्या क्या होती है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें टॉपिक्स क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी का ही इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। और जो सेकंड टॉपिक है वो शॉर्ट हिस्ट्री, तो ये हम टॉपिक अभी के लिए स्किप करेंगे, क्योंकि इसमें मतलब क्या है बेसिकली कि इस मतलब जो प्रोबेबिलिटी है ये आया कैसे, मतलब ये डिराइव कैसे हुआ ये वर्ड, ठीक है। तो उसमें ये किसने किया है, ऑथर वगैरह का बताया हुआ पूरा, तो वो आप एक बार खुद से भी रीड कर सकते हैं, तो इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो फर्स्ट नेम था, मतलब सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस कराया ये प्रोबेबिलिटी, वो था गैलीलियो, ठीक है। उसके बाद आप और रीड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये था मेन टॉपिक नहीं है हमारा अभी के लिए। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी, हमारे पास छोटे छोटे जो वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इस तरीके से जो ट्रायल हम बोल सकते हैं, इवेंट किस मतलब कितने टाइप के होते हैं, तो वो सब वर्ड्स हमारे किस में आते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी में। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि जो मैथमेटिकल, जैसे हम बोल देते हैं कि जैसे कि न्यूमेरिकल में हम कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें आ जाता है हमारा मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी से आपको वर्ड से पता चल रहा होगा कि मतलब कुछ हमारा लाइक पैराग्राफिक टाइप हो, या फिर मतलब जिसमें थोड़ी ज्यादा हो, उस तरीके की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जिसमें हम आइडिया लगा रहे होते हैं ओनली, ठीक है, तो वो आता है हमारा सब्जेक्टिव में। नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में क्या आता है हमारा, बेसिकली जो आपने 11, 12 में भी पढ़े होंगे कुछ टॉपिक, जैसे ऑपरेशंस वगैरह जो आप रीड करते हो, जैसे यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये सब हमारा किसमें आता है, या हम बोल सकते हैं डायग्राम्स वगैरह जो होते हैं, मतलब वेन डायग्राम, तो वो सब किसमें आता है हमारा, मैथमेटिकल टूल्स में। जो नेक्स्ट है वो क्या है, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, मतलब इसकी थोड़ी जो हमारे पास डिफरेंट अप्रोच होती है प्रोबेबिलिटी के लिए वो है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा क्या होगा, सम थ्योरम्स। सम थ्योरम्स मतलब किस पे बेस्ड होगी प्रोबेबिलिटी, इसमें और कौन कौन सी थ्योरम आती है हमारे पास, बेसिकली एडिशनल थ्योरम, ठीक है। एडिशनल थ्योरम हम पहले पढ़ेंगे केवल दो ही सेट के लिए, मतलब या फिर हम मान सकते हैं इसमें ए और बी सेट, मतलब दो सेट के लिए, उसके बाद हम तीन सेट भी ले सकते हैं, और इसको हम एक्सटेंड करेंगे कितने सेट के लिए, एन सेट्स के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है वो कौन सा हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, मतलब कि जिसमें कुछ कंडीशन लगी हो, राइट, तो वो होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको पता चल जाएगा।
नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो ये हमारा इसी से रिलेटेड है सम थ्योरम, मतलब जो हमने एडिशन वाले जो थ्योरम पढ़ी थी, मतलब पढ़ेंगे उसी के बेस्ड है, मतलब उसी से हम रिलेट करते हुए चलेंगे। और इसीलिए जैसे एक तो हो गया हमारे दो सेट के लिए मल्टीप्लीकेशन, और हम इसको एक्सटेंड कर देंगे एंड सेट्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स, फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, तो गाइज ये जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्रोबेबिलिटी एक मतलब अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम कोई भी ग्रेजुएशन का कोई कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप सपोज ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो, ठीक है, या फिर आप मास्टर्स में सपोज मैथमेटिक्स ऑनर से, या फिर आप एकदम से स्टैट में जाते हो, तो ये मतलब आपके लिए वीडियोज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो अगर आपको ये सब टॉपिक लर्न करना है तो आप ये वीडियो को मतलब देख सकते हैं। हम एक एक टॉपिक को अच्छी तरह लेके चलेंगे वन टू वन अच्छे से, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, और हम अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? इंट्रोडक्शन से, मतलब कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे हम इसमें प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो इसके लिए आप बने रहिए वीडियोस पे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।